हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मुन। आज मैं 3 रुपये के पार्ली जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एक पैकेट पार्ली जी ली हूँ और इसको मैं पैकेट से निकाल के प्लेट में डाल दी हूँ। और अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तेल में इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैं अभी गैस का फ्लेम जो है ना काफ़ी लो रखी हूँ। तो लो रखने का कारण यह है, जो जब तक मैं सारा बिस्किट इसमें नहीं डालूंगी तब तक मैं गैस का फ्लेम एकदम लो रखूंगी, उसके बाद मैं मीडियम कर दूंगी। तो यहाँ पर डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम किए हैं और 1 मिनट के लिए हम इसे इस तेल में पकाएंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और बिस्किट का कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं अब इसको एक एक करके प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरा सारा बिस्किट जो है तेल से निकल चुका है बाहर और प्लेट में आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ली हूँ और इस सारे बिस्किट को इसमें तोड़ करके डालूंगी और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूंगी। और यहाँ पे मेरा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें डाली हूँ 1/4 कप चीनी और उतना ही पानी। इक्वल है दोनों, चीनी और पानी दोनों इक्वल होना चाहिए। और इसे मैं मेल्ट होने के लिए गैस पर रखी हूँ लो फ्लेम पर। और जब तक मेरी चीनी मेल्ट हो रही है, मैं यहाँ पे एक डो तैयार करने वाली हूँ लिक्विड। तो मैं 1/4 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर ली हूँ और 1/4 कप ली हूँ दूध, दोनों इक्वल ही है। और इन दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से, हम एक अच्छा सा यहाँ पे इसका जो है ना घोल तैयार कर लेंगे दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पर देखिए, मैं अच्छे से इसका घोल तैयार कर रही हूँ, कोशिश करें इसमें गुठलियाँ ना हो। और ये मेरा घोल तैयार हो गया है और इधर मैं अभी आ गई हूँ गैस के पास फिर से। और यहाँ पे मेरा चीनी भी मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं ये जो लिक्विड तैयार करके रखी थी इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, ये एकदम एक भी इसमें गुठलियाँ नहीं है। तो हम इसमें ये वाला बिस्किट का जो मैंने डो तैयार करके रखा था इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और इस स्पैचुला से अच्छे से इसको मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट और भी मुझे कुक करना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे और ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, ये काफ़ी थिक हो गई है। और भी मुझे 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे कुक करने में। तो यहाँ पर इस अच्छे से स्टेज पर आ जाएगा। तो अब मेरा ये जो है ना डो फॉर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं एक प्लेट ली हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं तेल लगा के रखी थी और इसमें ये डो को डाल के इस स्पैचुला से अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अच्छे से फैला दी हूँ। और अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी ड्राई फ्रूट, आपके घर में जो अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम डाली हूँ, कागजी बादाम। और थोड़ा सा फिर से मैं इस स्पैचुला से इसे प्रेस कर देती हूँ और 10 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसको निकाल लिए हैं और इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और यूनिक मेरी रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।